हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशी मोर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हो। इस आशा के साथ अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग की धूप मेरी प्लांट्स पे लग रही है और देखो कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है आपके साथ बात करने का, ये जो क्रेसुला है, इसको जेड प्लांट बोलते हैं, इसको लकी प्लांट भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी फ्रेंड्स। और क्योंकि अभी मॉनसून भी आने वाली है, तो आप किस तरीके से इस प्लांट की देखभाल कर सकते हो, हाउ टू प्रोपोगेट कर सकते हो इसको, तो इस टॉपिक पे ही मैं बात करूंगी फ्रेंड्स। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, देखो ये है लकी प्लांट, इसको हम लकी प्लांट भी बोलते हैं। बहुत अच्छी होती है घर के लिए, वास्तु के हिसाब से भी ये प्लांट अगर हमारे घर में रहे तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है इस प्लांट के लिए। वैसे तो ये सकुलेंट वैरायटी की प्लांट है, तो इसकी मिट्टी जो है वो भी सकुलेंट के लिए, जो मिट्टी हम रेडी करते हैं उस मिट्टी पर ही हमको इसे लगाना है। और 40% गार्डनिंग सॉयल, 40% वर्मी कंपोस्ट, और बाकी सैंडी सॉयल, सैंड इस पर मिला के अच्छी एक सॉयल मिक्स बना के हमको इसे लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट मेरी, ये प्लांट देख रहे हो, ये लगभग मैंने कटिंग से ही इसको ग्रो किया था। इसको ग्रो किए हुए लगभग 7-8 महीना हो गया है और ये पूरी पॉट पे छा गई है। इसको आप हैंगिंग भी कर सकते हो, इसको पॉट में भी रख सकते हो, इसको आप बॉन्साई भी कर सकते हो। तो कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉमेंट आई थी कि जो क्रेसुला की जो लीव्स है वो गिर रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी लीव्स गिरने की बहुत सारे कारण होती है, क्योंकि ये सकुलेंट टाइप की प्लांट है, तो इसकी सॉयल, इसकी पॉट, इसकी वाटरिंग, इसकी सनलाइट, सब कुछ अगर इसको सटीक तरीके से नहीं मिलेगी तो इसकी जो लीव्स है वो गिरने लगती है। तो इसके लिए पॉट जो आप चूज़ करोगे, मेरे ख्याल से मिट्टी की पॉट ही अच्छी होती है सभी प्लांट के लिए। फिर भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप प्लास्टिक की पॉट पर इसको लगाते हो तो नीचे से बहुत अच्छी ड्रेनेज होल बना के ही इसको लगाना, क्योंकि ये सकुलेंट है तो इस पर जो है अगर बहुत ज़्यादा पानी इस पर जमा हो जाए तो इसकी जो लीव्स है वो गिरने लगती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि आपकी जो क्रेसुला है उसकी लीव्स क्यों गिरने लगती है, ठीक है। तो इसलिए पॉट का चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, पॉट पे अच्छी होल होना चाहिए ताकि पानी इस पर रुक ना पाए। सेकंड नंबर पे है कि आप जिस मिट्टी को रेडी करते हो वो वेल ड्रेनेज मिट्टी होना चाहिए, उस मिट्टी में भी पानी नहीं जमने चाहिए बिल्कुल भी। तीसरी बात है फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लांट अगर आपने सेमी जो शेडेड एरिया में आपने रख दिया है, जहाँ सनलाइट कम पड़ती हो वहाँ भी अगर आपने इस प्लांट को रखा है, तो इसकी पत्तियाँ आप देखोगे कि ऐसे पकड़ते ही आपकी पत्तियाँ एक एक टच करने से पत्तियाँ गिर जाती है। तो इसके लिए इसको जो सनलाइट है वो भी अच्छी सनलाइट चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए। आप मॉर्निंग की धूप, लगभग मॉर्निंग की मतलब 3-4 घंटे की धूप जहाँ लगती हो, एकदम ब्राइट सनलाइट पड़ती हो, आप इस प्लांट को वहाँ रखो तो आपकी प्लांट अच्छी चलेगी, इसकी लीव्स भी नहीं गिरेगी और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेगी। और फिर फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स है इसको जो अगर आप पानी जब देते हो, इसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमेशा ही चेक करके इसकी मिट्टी को पानी देना। देखो अभी देखो एकदम मिट्टी गीला है, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग को बहुत बारिश हुई थी तो इसकी मिट्टी गीला है। तो आप इसकी मिट्टी जो है, मिट्टी को चेक करके हर रोज़ ही चेक करो। चेक करके अगर ऊपरी जो लेवल है, ऊपरी जो मिट्टी है वो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप इस पर पानी दो, वरना पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ये अगर इसमें दे दोगे तो क्या होता है, उससे भी आपकी लीव्स गिरने लगती है, क्योंकि ये सकुलेंट है, इसकी स्टेम में, इसकी लीव्स में ही पानी भरा हुआ होता है। और ओवर वाटरिंग अगर आप करते हो तो क्या होता है, ये जो लीव्स है बहुत ज़्यादा वाटर अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या होता है, मॉइस्चर लेवल उसकी बढ़ जाती है और आपकी जो जो लीव्स है वो गिरने लगती है। तो ये भी एक कारण है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ये अपने आप में होल्ड कर लेती है तो इसकी लीव्स गिरने लगती है। तो वाटरिंग का ध्यान आपको बहुत अच्छी तरीके से वाटरिंग का ध्यान करके ही आप इसे वाटरिंग करो। और फ्रेंड्स, इसकी जो है, इसको आती है उसके खाद के ऊपर, इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, लेकिन इसकी जो मिट्टी है उसकी पीएच लेवल, इसको हाई आयरन रिच जो सॉइल होती है वो पसंद है। और इसके लिए आप इसकी जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल
को ठीक रखने के लिए, अगर इसकी पीएच लेवल को आप ठीक रखोगे, थोड़ी सी एसिडिक सॉयल इसको अगर मिलेगी तो आपकी जो प्लांट है उसकी लीव्स भी नहीं गिरेंगी, इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और लीव्स भी बहुत ही हेल्दी और बुशी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप समय समय पर लगभग 15-20 दिन बाद बाद एक चम्मच चाय की पत्ती आप चारों तरफ से स्प्रिंकल करके दे दो, या फिर आप दे सकते हो, मैं जो हूँ आज दूंगी ये जो कॉफ़ी पाउडर है फ्रेंड्स, ये कॉफ़ी पाउडर, थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर मैं इस पर दे दूंगी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी इस तरीके से थोड़ी सी स्प्रिंकल करके आप इस तरीके से चारों तरफ से दे दो, तो इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी की जो पीएच लेवल है वो बरकरार रहती है और आपकी प्लांट अच्छी चलती है। आती हूँ फ्रेंड्स इसकी प्रोपोगेशन पर। इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही इजी है क्योंकि ये सकुलेंट है, तो इसकी जो मरने की चांसेस कभी कभी क्या होता है, बहुत जल्दी ये मरने लगती है, मर जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर रोटिंग या कुछ भी कारण हो सकती है इसकी मरने की। तो क्या आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा आपकी अब हो सके इसकी प्लांट को आप अलग अलग जगह पर इसको लगा के आप प्रोपोगेट करके अलग अलग करके बहुत ज़्यादा प्लांट अब बढ़ा लो तो ईजिली भी ये ग्रो हो जाती है। देखो मैंने यहाँ ये जो छोटी सी एक प्लास्टिक की पॉट है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो मिट्टी एकदम गीला है, तो अभी धूप भी आ गई है तो लगभग 2-3 दिन इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसको कटिंग से लगाया था और ये देखो इस पर रूटिंग भी शुरू हो गई। तो कटिंग्स लगा लो तो इजीली ये ग्रो हो जाती है, किसी भी कटिंग्स लगा लो, लगा के आप जैसे आपने मैंने बोला है कि जैसे आप इसकी जो मिट्टी है, इसकी मिट्टी आप जैसे बनाया हो वैसे मिट्टी पे ही आप छोटी छोटी कटिंग्स इसकी लगा सकते हो। मैंने 2-3 बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगा के छोटी छोटी कटिंग्स मैंने छोटे छोटे डब्बे या फिर बॉटल की कटिंग कुछ में भी मैंने सब कुछ में इस तरह की छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगा दिए हैं तो वो अभी ग्रो भी कर रही है। तो आप भी इस तरीके से इसकी जो कटिंग है इजीली ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। और फिर फ्रेंड्स और एक बात बताना भूल गई, इस पर मैंने अभी तक तो नहीं देखा कोई भी इंसेक्ट, तो फिर भी कभी कभी क्या होता है जो व्हाइट फ्लाइज है वो आ जाती है आपके प्लांट पे, तो हमेशा ही आप ध्यान रखना वो फ्लाइज आपके प्लांट को अटैक ना करने पाए। कम रहते ही आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करो प्लांट को, अगर व्हाइट माइट्स आप देखते हो तो अच्छे तरीके से साफ़ कर दो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा अटैक हो गए तो उस जो स्टेम है उसको ही कट करके आप दूर फेंक दो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे बने रहिए, अच्छी तरीके से रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।